आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की जद में होने से विस्थापन की राह जो रहे हैं। लेकिन आज हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, वाकई में तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल जखौली विकास खंड के पुजार गांव का डोणी तोक के 5 परिवार मौत के साय में जीने को मजबूर हैं। साल 2013 की आपदा में डोणी तोक के नीचे से भूधसाव हुआ था, जिस कारण यहां निवासरत जगदीश प्रसाद, शंभू प्रसाद, गुरु प्रसाद, मोलाराम और भूपेंद्र प्रसाद के घरों में मोटी मोटी दरार आ गई थी। उस वक्त से लेकर आज तक ये 5 परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो सका है, जबकि हर साल इन परिवारों के मकानों की दरारें ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं भवन भी अब आड़े तिरछे हो गए हैं। पीड़ित परिवारों ने पटवारी से लेकर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के साथ ही नेता मंत्रियों को पत्राचार कर अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन सुध लेने कोई नहीं आया। हालांकि पिछले साल तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिंडियाल ने भी डोणी टोक का जायजा लिया और यहां की स्थिति देखकर इन्होंने इन परिवारों को तत्काल प्रभाव से विस्थापन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आया। हम रात भर यहां पे बच्चों के लिए कि जगह जगह जहां पे बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 4-5-3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 2-3-4 बार तहसील चले गए हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ, मैं कहा मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरा हम रात भर सो रहे नहीं रहे, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं, हम कभी भी यहाँ पे जान मान का हानि हो सकता है। लेकिन अंदर इतना बड़ी बड़ी दरारें हैं, कीड़े मकोड़े रात भर यहाँ जंगल है, चारों तरफ कहीं भी जानवर चलते हैं। हम बच्चों को बाहर रखने रात भर हम नदी यहाँ उजाला का कोई साधन है, पेड़ यहाँ जंगल है, पेड़ गिर रहे हैं, लाइट बंद हो जाती है, हमारी इतना परेशानी है। हम तोड़ी इलाके के ये 5 परिवार के पास अनियंत्रित शिफ्ट होने का कोई साधन न होने से आज भी वो उन्हीं टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का लालन पालन करने वाले परिवार भला कहां से नई जगह और आशियाना बनाएंगे। लेकिन बरसात के वक्त वो रातों को सो नहीं पाते, हर वक्त डर सताता है कि कहीं मकाने जमीन दोज ना हो जाए। 2013 की आपदा से ये दशाव चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये धसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है, प्रशासन यहाँ पर आया है, लगातार चल रही है बारिश, बरसात चल रहा जो, तो इसमें और ज़्यादा धसाव चल रहा है ये, क्योंकि चारों तरफ कोने कोनों में मकान की छतों में नीचे फर्श में सारी दरारें आ रखी हैं और कभी भी ये ढल सकता है मकान, और हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम कहीं भी स्थापित अन्य जगहों पे अन्यत्र जा सकते। डीएम साहब जी यहाँ पर आए थे, घिड़ियाल सर जब थे पूर्व में, तो उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया था, उन्होंने तहसील जखोली के लिए त्वरित गति से कहा कि वह यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तो भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। डोणी टोक के इन 5 परिवार के सिर पर हर वक्त मौत मंडरा रही है। पुजार गांव का एक डोणी टोक है, वहाँ पे 2013 से वो क्षतिग्रस्त मकानों पर रह रहे हैं 5 परिवार, लेकिन उनको अभी तक अस्थायी व्यवस्था तक नहीं की गई। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। ग्राम प्रधानों के को हम लोगों ने ये अपील की है कि गांव में जिस प्रकार से सार्वजनिक परिसंपत्तियों में, सार्वजनिक भवनों में क्वारंटीन के समय पर प्रवासियों की व्यवस्था की गई, वर्तमान में विलेज क्वारंटीन की संख्या हमारे जनपद में बहुत कम है, ज़्यादातर ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ खाली हैं वर्तमान में, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए प्रयोग करें जिनके भवन डैमेज हो गए हैं। किसी भी दशा में डैमेज भवनों में कोई भी परिवार निवास न करे। आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद 23 गांवों के 472 परिवार
आज भी विस्थापन की बाढ़ जो रहे हैं। सबसे अधिक उखीमठ में 248 परिवार, जखौली में 192 परिवार और रुद्रप्रयाग में 32 परिवार सालों से विस्थापन के श्रेणी में तो हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो सका है। पुजार गांव का डोनी टोक के 5 परिवार बीते 7 वर्षों से शासन प्रशासन की घोर उपेक्षा का शिकार हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि इस गांव में कभी कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जिला प्रशासन और सरकार की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।